दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल मर्द रोजाना हर सेकंड में 1000 से 1500 स्पर्म्स बना रहा होता है और ये स्पर्म्स 64 दिनों तक ऐसे ही बनते रहते हैं और फिर इसके बाद नए बनने वाले स्पर्म्स पुराने स्पर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं। और अगर 64 दिनों में इजैकुलेशन ना हो तो ये स्पर्म्स नाइट फॉल यानी तलाम की सूरत में जिस्म से बाहर निकल जाते हैं या फिर बॉडी इनको तोड़कर एक नए स्पर्म्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेती है। एक नॉर्मल मर्द में स्पर्म्स की कुल तादाद 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर ऑफ सेमन होती है और ये वासा डिफरेंट डक्ट में स्टोर होते हैं।